प्रेरणादायक कहानियाँ। भेड़ की खाल में भेड़िया। बहुत समय पहले की बात है, एक चरवाहा था जिसके पास 10 भेड़ें थी। वो रोज उन्हें चराने ले जाता और शाम को वापस लाकर बाड़े में बंद कर देता। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक सुबह चरवाहा जब भेड़ों को चराने ले जा रहा था तो उसने देखा कि बाड़े में से एक भेड़ गायब है। चरवाहा इधर उधर देखने लगा। बाड़ा कहीं से टूटा भी नहीं था और कटीले तारों की वजह से इस बात की भी कोई संभावना नहीं थी कि बाहर से कोई जंगली जानवर आया हो या किसी भेड़ को उठा के ले गया हो। चरवाहा बाकी बची भेड़ों की तरफ घूमा और पूछा, क्या तुम लोगों को पता है कि यहाँ एक भेड़ कैसे गायब हो गई? कहीं रात में कुछ हुआ तो नहीं था यहाँ? सभी भेड़ों ने ना में सिर हिला दिया। उस दिन भेड़ें चराने के बाद चरवाहे ने हमेशा की तरह भेड़ों को बाड़े में लाके बंद कर दिया। अगली सुबह जब वो आया तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। आज भी एक भेड़ गायब थी और अब सिर्फ 8 भेड़ें बची थी। इस बार भी चरवाहे को कुछ समझ नहीं आया कि भेड़ गायब कहाँ हो गई। बाकी बची भेड़ों से पूछने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। ऐसा लगातार होने लगा और रोज एक भेड़ गायब होने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया कि बाड़े में बस 2 भेड़ें ही बची रह गईं। चरवाहा बिल्कुल निराश हो चुका था। मन ही मन उसने इसे अपना दुर्भाग्य मानकर सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया था। आज वो उन दोनों भेड़ों को बाड़े में बंद करने के बाद जैसे ही मुड़ा तो उसे एक आवाज आई, रुको रुको, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ वरना ये भेड़िया मुझे भी मार डालेगा। चरवाहा फौरन पलटा और अपनी लाठी संभालते हुए बोला, भेड़िया कहाँ है भेड़िया? ये जो आपके सामने खड़ा है दरअसल ये भेड़ नहीं, भेड़ की खाल में भेड़िया है। जब पहली बार एक भेड़ गायब हुई थी तो मैं डर के मारे उस रात सोई नहीं थी। तब मैंने देखा कि आधी रात इसने अपनी खाल उतारी और बगल वाली भेड़ को मारकर खा गया। भेड़िया अपना राज खुलता देख वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन चरवाहा चौकन्ना था और उसने अपनी लाठी से ताबड़तोड़ वार करके भेड़ियों को वहीं ढेर कर दिया। अब चरवाहा पूरी कहानी समझ चुका था और वो क्रोध से लाल हो उठा। उसने भेड़ की तरफ चीखते हुए कहा, जब तुम ये सब पहले से जानती थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? भेड़ बेचारी शर्मिंदा होते हुए बोली, मैं उसके भयानक रूप को देखकर बहुत डर गई थी, मेरी सच बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने सोचा कि शायद ये एक तो भेड़ खाने के बाद अपने आप यहां से चला जाएगा, पर अब बात बढ़ते बढ़ते मेरी जान पे आ गई तो मेरे पास एक ही रास्ता बचा, हिम्मत करके सच बोलने का। इसलिए आज मैंने आपसे सब कुछ कह दिया। चरवाहा बोला, तुमने ये कैसे सोच लिया कि ये 2 भेड़ों को मारने के बाद यहां से चला जाएगा? भेड़िया तो भेड़िया होता है, वो अपनी प्रकृति नहीं बदल सकता। जरा सोचो, तुम्हारी चुप्पी ने कितनी निर्दोष भेड़ों की जान ले ली। अगर तुमने पहले ही सच बोलने की हिम्मत दिखाई होती तो आज सब कुछ कितना अच्छा होता। जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जहां हमारी थोड़ी सी हिम्मत बड़ा फर्क डाल सकती है, पर उस भीड़ की तरह हम में से ज्यादातर लोग तब तक चुप्पी साधे बैठे रहते हैं जब तक मुसीबत हमारे अपने सिर पर नहीं आ जाती। चलिए इस कहानी से प्रेरणा लेते हुए हम सही समय पर सच बोलने की हिम्मत दिखाएं।